A warm welcome to my channel 369 Predictions Hub. So 31st के दिन मैंने चैनल लॉन्च किया था. दिस इज द ब्रांड न्यू टेरोट रीडिंग, नॉट ओनली टेरोट प्रेडिक्शंस चैनल. सो आप इस चैनल कंटेंट के बारे में मैं कुछ बोलना चाहूंगी. उससे पहले हैप्पी गणेश चतुर्थी, हैप्पी गणेश महाउत्सव टू ऑल ऑफ यू. एंड चैनल कंटेंट, इट्स ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस. दैट्स व्हाई दिस चैनल नेम इज प्रेडिक्शंस हब. एंड 369 इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट एंजल नंबर, 3, 6 and 9. सो चैनल कंटेंट प्रेडिक्शंस के ऊपर ही है. नॉट ओनली टेरोट प्रेडिक्शंस, ओरेकल प्रेडिक्शंस, एंजल गाइडेंस, वेदिक प्रेडिक्शंस, एंजल प्रेडिक्शंस, कैंडल वैक्स प्रेडिक्शंस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का आपको इस चैनल पे प्रेडिक्शंस देखने को मिलेंगे. सो मेरा मकसद एंड इस चैनल का पर्पस यही है टू गाइड यू, टू हेल्प यू टू सी द राइट डायरेक्शंस इन योर लाइफ, टू मेक ए हैप्पी हेल्दी लाइफ एंड एज वेल टू मेक ए ब्लेसफुल एंड टू डिजाइन help to design your better future. So that is the main purpose and main motto of my channel. So and the another thing is ki main kaun hoon, and I am a tarot card specialist, card reading specialist, expert, spiritual remedy expert, and very most important thing, I am an astrologer and counselor of AstroTalk platform. AstroTalk is one of the most leading platform in India right now. सो आप लोग जाके मेरे प्रोफाइल चेक कर सकते हो. एंड इस चैनल को ओपन करने का मेरा एक ही मकसद है, जितने लोग हो सके उतने लोगों की तक मेरा प्रेडिक्शंस पहुंचे. प्रेडिक्शंस के थ्रू आप अपने बेटर फ्यूचर को क्रिएट कर पाए. एंड नॉट ओनली प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस के थ्रू सिर्फ नहीं, मैं स्पिरिचुअल रेमेडी भी प्रोवाइड करती हूँ लोगों को. क्योंकि प्रेडिक्शंस के थ्रू जैसे आपको क्लैरिटी मिलता है, टेरोट के थ्रू, एंजल्स गाइडेंस के थ्रू, ओरेकल गाइडेंस के थ्रू, जैसे आपको एक सही दिशा मिलता है अपने लाइफ में क्लैरिटी मिलता है. उनके साथ साथ कुछ रेमेडी हम क्यों फॉलो करते हैं. स्पिरिचुअल रेमेडी इज वन ऑफ द एक रिचुअल्स बोला जाता है, जिसके थ्रू हम भगवान को प्रे करते हैं कि हमारा एक काम हो जाए. सो दैट्स वाई हम स्पिरिचुअल रेमेडी को फॉलो करते हैं. बहुत सारे लोग बहुत जगह से, बहुत लोगों से काउंसिलिंग लेके स्पिरिचुअल रेमेडी अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, अपने प्लैनेट्स को, स्पेशली प्लैनेट्स को शांत करने के लिए, या जो वीक पॉइंट पे बैठे होता है उनको पावर देने के लिए भी रेमेडीज फॉलो करते हैं. बेसिकली लाइफ को बेहतर बनाने के लिए फॉलो करते हैं. So that is all about my channels and about me. So hope हम लोग एक साथ मिलके एक beautiful family create करेंगे. And please support my channel. मैं वादा करती हूँ कि मेरा जितने भी predictions से आप लोगों तक सही messages मिलेंगे. Because my all reading I do intuitively reading, not only intuitively, I do predictions through my spirit guide, through my angels, through my divine and universe. So all readings are spirit guided and intuitive as well. And मैं आप लोगों को और एक request करना चाहूंगी कि please एक बार जाके आप descriptions check out कर लेंगे. And I don't have any Facebook, Insta, another page. This is only one channel. और मेरा एक second channel है, मैं बाद में आती हूँ उसके बारे में कुछ बताऊंगी second channel के बारे में. एंड नंबर वन इज दैट ईमेल के थ्रू आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. अदरवाइज अभी मैं पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड नहीं करूंगी, जब करूंगी तो तब आप मैं मुझे एस्ट्रोटॉक के थ्रू आप फॉलो कर सकते हो. एंड उसके थ्रू या मैसेजेस वगैरह, या आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो एस्ट्रोटॉक के थ्रू, बिकॉज आई एम ए काउंसिलर एंड प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर एट एस्ट्रोटॉक. मैं अभी यूट्यूब चैनल सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ओपन किया, बिकॉज काफी सारे पीपल होता है जो एफोर्ड नहीं कर पाते चीजें. तो दैट्स वाई मेरा काफी दिनों से एक प्लानिंग बनाया था मैंने कि मैं एक चैनल ओपन करूं आप सभी लोगों के लिए. सो सेकेंड चैनल के बारे में, सेकेंड चैनल का नेम है टेरोट ट्यूबर. इन्फिनिटी का सिंबल है, आप लोग जाके फॉलो कर सकते हो. वहां पर शॉर्ट्स ही मैं ओपन अपलोड करती हूँ. नॉट ओनली शॉर्ट्स, अनबॉक्सिंग वीडियो, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है,
प्लैनेट्स मूवमेंट या मरकरी रेट्रोग्रेड, वीनस वगैरह, मतलब जितने भी प्लैनेट्स प्लैनेटरी मूवमेंट होता है मैं वहां अपडेट करती हूँ, शॉर्ट्स डालती हूँ, अनबॉक्सिंग वीडियो है तो बहुत कुछ अपलोड करती हूँ मैं उस चैनल पे। बेसिकली शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू मैं मैसेज सेंड करती हूँ। और ये जो चैनल है मेरा, ये प्रेडिक्शंस के ऊपर ही होंगे, वो भी प्रेडिक्शंस के ऊपर है, बट यहाँ पर आपको यूट्यूब जनरल वीडियो जैसे होता है 25 मिनट्स, आधे घंटे का, जैसे जितने टाइम तक होता है उतने टाइम तक आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो प्लीज सपोर्ट माई चैनल, एंड आप लोग सपोर्ट का बहुत जरूरत है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज फॉलो माई चैनल एंड सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट स्टार्ट, अब रीडिंग प्रेडिक्शन शुरू करती हूँ। नॉट ओनली प्रेडिक्शंस, आज मैं आपको गणेश जी का, गणेश चतुर्थी का एक स्पेशल रेमेडी, नॉट ओनली वन, हर एक टॉपिक के रिलेटेड, लाइक फॉर एग्जाम्पल लव रिलेशनशिप, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, कर्जा है तो उनको कैसे मिटाए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिनका लेट मैरिज का जोक है, लेट मैरिज आई मीन टू से कि मैरिज नहीं हो रहा है, तो काफी चीजों को लेके मैं आपको रीडिंग जब कंप्लीट हो जाएंगे लास्ट में स्पिरिचुअल रेमेडी प्रोवाइड करूंगी। इट्स ओनली गणेश चतुर्थी स्पेशल रेमेडी। सो लेट स्टार्ट, अब प्रेडिक्शन शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने 3 डेक आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया। नंबर 1 इज द एनर्जी ओरेकल डेक, नंबर 2 दिस इज द ओरिजिनल राइडर वेट टेरो डेक, एंड नंबर 3 इज द एंजल आंसर। आप इस तीनों में से कोई भी एक को पिक कर सकते हो, अदरवाइज मैं 3 गणेश जी का पिक्चर है वहां से भी आप चूज कर सकते हो। एंड पिक द पाइल इंट्यूटिवली, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी पिक कर रहे हो जो मर्जी मन करे, नो, आप इंट्यूटिवली थोड़ा सा कंसेंट्रेट करके, खुद को थोड़ा सा दिमाग को शांत करके आप इंट्यूटिवली पिक करें। इंट्यूटिवली पिक करने का मतलब है कि आपको जो पाइल्स अट्रैक्टिव लग रहा है, अट्रैक्ट उसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसको आप पिकअप कीजिए, अपने इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके इंट्यूशन पावर भी स्ट्रांग होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड भी स्ट्रांग होता है। सो पिक एनी वन बिटवीन 3, आपको 2 पाइल भी अट्रैक्ट कर रहा है तो आप 2 पाइल देख सकते हो, तो मैं बोलूंगी कि आप एक ही पाइल को चूज कीजिए, एक ही पाइल की तरफ जाइए। सो चूज बिटवीन 1, 2, 3, इस तीनों के अंदर आप एक चूज कर सकते हो। आप इस तीनों में चूज करने को आपको प्रॉब्लम्स हो रहा है तो सो गो फॉर द 3 पिक्चर ऑफ गणेशा, तीनों गणेश का पिक्चर आएंगे अभी आपके सामने, आप उनमें से भी एक गणेश पिक्चर को चूज करके आप रीडिंग देख सकते हो। सो टूडे रीडिंग टॉपिक क्या है, रीडिंग टॉपिक है कि गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलेंगे आफ्टर गणेश चतुर्थी, बिकॉज गणेश चतुर्थी के बाद एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड गुड एनर्जी ऑलमोस्ट एक हफ्ते नहीं, ऑलमोस्ट 1 मंथ तक काम करते हैं। एंड इन स्पिरिचुअलिटी में गणेश चतुर्थी या कोई भी जब महाउत्सव सेलिब्रेट होता है, इट कैन बी माता रानी का पूजा या गणेश जी का पूजा, कुछ भी हो, उस टाइम पे एनर्जी शिफ्टिंग होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आता है हर एक जोडियक शाइन पर्सन्स पे, हर एक प्लैनेट का भी इफेक्ट गुड पॉजिटिव होता है। सो मोस्ट ऑफ द मैं पॉजिटिव ही बताऊंगी आज, क्योंकि आपको क्या गुड न्यूज मिलने वाला है एंड आपका क्या काम, जो भी काम अटक हुई है, कोई भी काम आप होगा या नहीं होंगे, क्या बेसिकली आपको क्या ब्लेसिंग मिलेंगे गणेश जी की तरफ से, तो हम आज इस वीडियो में प्रेडिक्शंस करेंगे। सो प्लीज कोई भी एक पाइल, सॉरी कोई भी एक डेक को आप चूज कर सकते हो, नहीं तो आपको यहाँ से चूज करने पे प्रॉब्लम हो रहा है तो सो यू कैन चूज फ्रॉम पिक्चर, गणेश जी का 3 फोटो आएंगे डिफरेंट डिफरेंट गणेश मूर्ति का, वहां से भी आप चूज कर सकते हो। होप आई एम क्लियर टू यू ऑल, आप शुरू करते रीडिंग, लेट्स गो। सो हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी नंबर 1 को चूज किया है दिस एनर्जी ओरेकल डेक, और फर्स्ट वाले फोटो को चूज किया है गणेश जी का, सो लेट स्टार्ट, देखते हैं कि उनको गणेश जी की तरफ से गणेश चतुर्थी का क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे, क्या गुड न्यूज मिलेंगे। हम पॉजिटिव चीज को ज्यादातर देखेंगे कि क्या ब्लॉकेजेस रिमूव होने वाला है। सो लेट स्टार्ट गाइस, गो फॉर द फर्स्ट वन। सो मैं पहले कुछ सिचुएशंस बताऊंगी कि अभी अभी लाइफ में आपके क्या सिचुएशन चल रहा है,
एंड ये चीज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो गो फॉर दिस वन फर्स्ट वन. आपके साथ सिचुएशंस रेजोनेट नहीं कर रहा है तो फिर आप नेक्स्ट वाले पाइल पे जा सकते हो, नहीं तो और कोई अनदर पाइल चूज कर सकते हो. चलो सो देखते हैं कि फर्स्ट आपकी लाइफ के अभी सिचुएशंस क्या चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट. ओके, नाइट ऑफ वांड्स, द सन, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, वाव इट्स अ गुड एनर्जी, एंड फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है. तो मैं पहले कुछ सिचुएशंस बताऊंगी, आफ्टर दैट मैं प्रेडिक्शंस पे जाऊंगी कि क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाला है. सो गाइज, होप यू ऑल सी द वॉल कार्ड्स. यस, सो लेट्स स्टार्ट. सो यू पीपल गॉट द नाइट ऑफ वांड्स कार्ड, द सन, सेवन ऑफ सूट्स का कार्ड है, टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स कार्ड है, फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. सो यहां पर मुझे कुछ सिचुएशन, सबसे पहले जो चैंडलिंग मैसेज मुझे मिल रहा है कि हेल्थ इशू, जो स्पेशली जिनका बोन्स रिलेटेड इशू हो सकता है एंड आर्थराइटिस का पेशेंट से काफी दिनों से भूख रहा है, या कोई एक्सीडेंट वगैरह रिसेंटली हुआ है उनकी लाइफ में, सो बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट हो रहा है हेल्थ की वजह से अपने लाइफ में. और मुझे एक न्यूज मिल रहा है कि दैट इज द प्रेगनेंसी, कंसीव नहीं कर पा रहा है, काफी दिनों से ट्राई कर रहा है पर कंसीव नहीं कर पा रहा है, प्रेगनेंसी न्यूज नहीं मिल रही उनको. एंड द लवर्स एंड सेवन ऑफ सोर्स कार्ड से मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आप लोग ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफी टॉक्सिक एंड एब्यूजिव कनेक्शन पे आप लोग हो सकते हो. उस पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, एंगेजमेंट हो चुका है मे बी वो पर्सन, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि एंगेजमेंट के बाद भी आप लोगों का हो सकता है कि रिलेशनशिप उनके साथ बने नहीं या भाग गए, कुछ रिश्ता बढ़े नहीं आगे, एंगेजमेंट हो गया पर शादी तक बात पहुंचे नहीं. तो ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे ज्यादातर मिल रहा है. एंड और कुछ चीजें मिल रहा है कि जो बिजनेस वगैरह पे ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस अच्छा खासा चल तो रहा है पर वो चाहते कि, बहुत सारे पर्सन के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि बिजनेस पे ग्रोथ चाहते हैं, नया प्रोजेक्ट, नया क्लाइंट्स, कस्टमर्स काफी दिन हो गया उनको नहीं मिला. तो ऐसे कुछ कुछ सिचुएशंस, ये सिचुएशंस जो भी मैंने बताया, एंड गाइस दिस इज ए, जो भी प्रेडिक्शंस होंगे मेरी चैनल पे, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक और कोई स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, इट्स ए जनरल प्रेडिक्शंस फॉर यू ऑल पीपल. सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे प्लीज टेक दिस पार्ट, डोंट फोर्सफुल्ली पुट एनी पार्ट इन योर सिचुएशंस. आपको फोर्सफुल्ली कुछ पार्ट को, प्रेडिक्शंस की कोई भी पार्ट को आपको पुट नहीं करना, बिकॉज इट्स ए जनरल प्रेडिक्शंस, आपके लिए स्पेसिफिकली नहीं है. सो प्लीज लिसन केयरफुली, एंड जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, दोज पार्ट आर रेजोनेट विथ यू, प्लीज टेक दिस पार्ट एंड लीव द रेस्ट ऑफ द प्रेडिक्शंस. ठीक है, एंड इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक ऑल पर्सन्स, बिकॉज इन स्पिरिचुअलिटी एवरी पर्सन इज सेम, देयर इज नो एनी जेंडर स्पेसिफिक थिंग्स. ओके, सो होप आई एम क्लियर टू यू. तो ऐसे कुछ सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है तो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है तो आप इस फाइल को देखिए, एंड आपके साथ नहीं रेजोनेट कर रहा है तो चूज अनदर फाइल. ठीक है, सो आप अभी हम देखते हैं कि आपको गणेश जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं, व्हाट यू विल रिसीव आफ्टर गणेश चतुर्थी. ओके गाइस, सो लेट्स चेक पाइल नंबर वन वालों के लिए जिन्होंने इस ओरेकल डेक को चूज किया था और फर्स्ट वाले पिक्चर को चूज किया था. लेट्स स्टार्ट. फाइल नंबर वन वालों के लिए प्लीज स्प्रेड कर चाहिए व्हाट विल रिसीव आफ्टर गणेश चतुर्थी फ्रॉम गणेश डिवोटी.
बिकॉज गणेश भगवान इट्स अ डिवोशन ऑफ अबंडेंस हार्मनी मनी इट्स ए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस सिद्धिदात्र बोला जाता है गणेश भगवान को. हर एक भगवान की पूजा की पहले गणेश जी का पूजा होता है. सो ओके ओके एंजल ऑफ स्ट्रेंथ अटैचमेंट कॉन्ट्रैक्ट डिशीट ओके द थिंकिंग मैन द थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमेल बॉटम ऑफ द डेक इज द वोमेन होल्डिंग ए कॉइन. सो लेट्स सी कि आपको गणेश भगवान की तरफ से क्या मैसेजेस मिलने वाले हैं. सो वेरी फास्ट ऑन मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे पीपल है जिनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. आई मीन टू से कि कॉन्फिडेंस लैकिंग का इशू हो सकता है विद द कार्ड ऑफ एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. और कुछ कुछ नंबर एंड बता देती हूँ एंड जोडियक साइन 5, 0, 6, 50, 4, 37 ऐसे कुछ नंबर आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रोल प्ले कर सकते हैं विद द एंजल ऑफ स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ कार्ड से एंड डिसीट से यही पता चलता है कि आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस का कमी हो सकता है. सो गणेश भगवान की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे. आफ्टर दैट आपके देखेंगे कि खुद के अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है. आप देखेंगे आपकी आसपास कोई भी ऐसे डिसीटफुल पीपल है जो आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है. आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा जलते है जेलस फील होते है. वो पर्सन्स का आपकी लाइफ से रिमूव हो सकता है. आई मीन टू से कि दूर हट सकते हैं वो पर्सन्स. आपकी एनर्जी ऑरा से दूर हो सकता है. दैट इज द वेरी गुड न्यूज एंड ब्लेसिंग्स फॉर गणेश जी. नेक्स्ट वन इज द अटैचमेंट एंड द थिंकिंग मैन कार्ड. सो थिंकिंग मैन कार्ड से मुझे लाभ सिचुएशंस बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप जो भी पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहे थे वो पर्सन्स आपके बारे में काफी ज्यादा सोचेंगे एंड आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोचेंगे डेफिनेटली फॉर श्योर. एंड इट विल टेक मैक्सिमम 5 मंथ मिनिमम 4 मंथ मुझे थोड़ा टाइम डिले दिखाई दे रहा है. कॉन्ट्रैक्ट एंड थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल. सो बहुत सारे लोग हो सकता है कि लीगल इश्यूज मैटर चल रहा है उनको जीतने का काफी ज्यादा चांसेस है अगेंस्ट पार्टी से. लीगल कोई मैटर या प्रॉपर्टी रिलेटेड मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है. ऐसे कुछ सिचुएशंस है तो आपकी लाइफ में गणेश जी का ब्लेसिंग्स आपके लिए ही रहेंगे कि आप प्रॉपर्टी मामलों में जीत सकते हो. थर्ड चक्र आर्कएंजल गैब्रियल आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे एंड थर्ड चक्र आपका थर्ड चक्र ओपन हो सकते हैं आफ्टर गणेश चतुर्थी वाले एनर्जी गणेश की तरफ से आपके लिए ऐसे कुछ ब्लेसिंग्स है. एंड आफ्टर दैट और भी मैं कार्ड्स यूज करके देखती हूँ और कुछ मैसेजेस मिलता है कि गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे. सो व्हाट वी यू विल रिसीव फ्रॉम गणेश भगवान. सो 6, 7 of Hearts ओके. सो अगेन मुझे नंबर 4 मिला. 4 and 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है. आपको बहुत सारे 4, 4, 4, 5, 5, 5 दिखाई दे सकता है. मुझे बहुत सारे दिखाई दे रहे कि सोलमेट ट्वाइन फ्लेम कनेक्शंस भी हो सकती है. 6 and 9 का भी कार्ड है. सो दैट इज द थिंग्स. और क्या क्या आपको ब्लेसिंग्स मिल सकता है. ब्लेसिंग्स है आप सडनली कोई पर्सन कोई अथॉरिटी पर्सन के साथ आपका जान पहचान हो सकता है. उसके थ्रू आपको जॉब मिल सकता है या आप उन पर्सन से एक नॉलेजेबल पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है उस पर्सन से आप बहुत कुछ सीखेंगे एंड एक्सपीरियंस गेन करेंगे. आगे जाके बहुत काम में आएंगे आप जो भी सीखेंगे इस पर्सन से. ये भी एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है कि आप हम लोग की लाइफ में बहुत सारे टाइम होता है कि पर्सन से कोई भी स्पेसिफिक पर्सन से हमें हेल्प मिलता है. वो लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं कोई भी स्पेसिफिक पर्सन. जैसे बहुत सारे पर्सन लाइफ में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं अपने सक्सेस से भी जलते हैं. ऐसे बहुत सारे भगवान सॉरी पर्सन होता है जो एक एंजल की तरह होते हैं. तो मुझे ऐसे कोई स्पेसिफिक पर्सन
दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में आ सकता है. इट कैन बी योर बॉस भी हो सकता है, ऑफिस बॉस जहां आप काम करते हो उनके थ्रू आपको प्रोमोशंस भी मिल सकते हैं. ठीक है, सो ऐसे कुछ मैसेजेस मुझे दिखाई दे रहा है कि गणेश जी की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, गुड न्यूज भी मिलेंगे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह या पड़ाव चल रहा है आपकी कोई अगेंस्ट पार्टी के साथ, आप उस एक को जीतना चाहते हो तो आप जीत सकते हो. लॉ वाले सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहा है. सो गाइस, ऐसे कोई ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आपको मैंने डिलीवर किया, तो गणेश जी की तरफ से ऐसे कुछ मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रहा है. एंड जोडियक साइन मुझे दिखाई दे रहा है कि टॉरस, वीरगो, कैप्रिकॉन हो सकता है आपकी सन मून राइजिंग एंड वीनस में. एंड नेक्स्ट वन जोडियक साइन मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है फायर साइन, एरिस लियो सैच बहुत प्रोमिनेंट है. सो गुड बाय पाइल नंबर वन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे. ऐसे कुछ मैसेजेस एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे. गॉड ब्लेस यू वेल. प्लीज इट्स ए न्यू चैनल, सपोर्ट सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच. सो हे पाइल नंबर टू, सो जिन्होंने भी इस टेक को चूज किया था और सेकेंड पिक्चर को चूज किया गणेश जी का, सो उनके लिए देखते हैं कि गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे. और वेरी फर्स्ट थिंग्स कि मैं कुछ कार्ड्स लूंगी, आपके सिचुएशंस बताऊंगी, प्रेजेंट सिचुएशंस. तो ऐसे कुछ सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रहा है तो आप ए पाला पाई का वीडियो आगे देखिए कि गणेश जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे. एंड ए सिचुएशंस आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है तो चूज अनदर पाइल्स. सो लेट स्टार्ट गाइस. सो देखते हैं कि अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है. ओके ओके, टू ऑफ शोर्ट्स, फोर ऑफ वांड्स, किंग ऑफ शोर्ट्स, द चैरियट का कार्ड है, सेवन ऑफ कप्स एंड द हायरोफेंट का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक द हैंग्ड मैन. सो मुझे जोडियक साइन दिखाई दे रहा है कि एरिस लियो सैज एंड एक्यूरियस लिब्रा जेमिनी बहुत प्रोमिनेंट है, टॉरस भी काफी प्रोमिनेंट, टॉरस कैंसर एक्यूरियस लिब्रा जेमिनी मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है. सो मैं सिचुएशंस बताती हूँ, आपके साथ रेजोनेट करते हैं तो आगे रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए, नहीं कर रहे तो चूज द अनदर पॉइंट. सो काफी सारे पीपल है कि राइट नाउ आप रिलोकेट करना चाहते हो, काफी टाइम से आप प्लानिंग कर रहे हो कि आपका रिलोकेशन हो जाए कहीं जगह पे, काम के लिए हो सकता है या आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ इश्यू है तो आप और एक स्टेट सिटी में जाना चाहते हो डॉक्टर दिखाने के लिए. एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि काफी अरसे से चल रहा है कोई लाभ सिचुएशंस, नहीं तो आपके फैमिली रिलेटेड कुछ थिंग्स है जो आपको डिसीशंस लेनी है. यू आर कंफ्यूज्ड एंड डोंट टेक द डिसीशंस अबाउट दैट थिंग्स, आप डिसीशंस नहीं ले पा रहे हो. एंड बहुत सारे पीपल को मुझे दिखाई दे रहा है आप ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफी डोमिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग नेचर है. आप बहुत कुछ कर चुके हो पर उनका नेचर चेंज नहीं हो रहा है. आप चाहते हो कि उनकी नेचर में, बिहेवियर में, थॉट पैटर्न पे बदलाव आए. सो और एक चीज दिखाई दे रहा है कि फादर रिलेटेड मैसेज मिल रहा है कि आपके फादर बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है, उन बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो सकता है कि उनको बाहर का जाना, आप बाहर जाओ काम करो ये सब चीज नहीं पसंद उनको, तो काफी कंट्रोलिंग ऑर्थोडॉक्स किस्म का पर्सन है. सो ऐसे कुछ कुछ सिचुएशंस मुझे दिखाई दे रहा है. सो सम ऑफ द पीपल, मुझे और भी एक मैसेज मिल रहा है कि आप अपने लाइफ अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो. आप हो सकता है काफी अरसे से सिंगल पर्सन हो, नहीं तो आपको अपने मनपसंद का लाइफ पार्टनर लवर्स नहीं मिल रहा है अभी तक भी. बहुत ज्यादा आप डिसअपॉइंटेड हो, नहीं तो वन साइडेड थिंग्स हो सकता है. तो ऐसे कुछ सिचुएशंस है तो आपके साथ रेजोनेट कर रहा है. 80% to 90% से 70% भी रेजोनेट कर रहा है. तो अब ए पाइल देखिए, नहीं रेजोनेट कर रहा है तो कोई भी और एक पाइल को चूज कर लीजिए. अब हम देखेंगे कि गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे. सो लेट स्टार्ट. अब एनर्जी ओरेकल से देखते हैं कि गणेश चतुर्थी का एनर्जी क्या है आपके लिए. गणेश चतुर्थी गणेश जी की तरफ से आपके लिए
क्या ब्लेसिंग्स है पाइल नंबर टू वालों के लिए. यू कर द हीलर ऑफ द एजेस कार, पेशेंस का कार है, द वर्ल्ड इन एंड यंग मैन होल्डिंग ए कॉइन, वाओ इट्स ब्यूटिफुल एनर्जी, वाओ सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल, बॉटम ऑफ द डेक हैप्पी फैमिली, नाइस वन, इट्स ए ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर टू. पाइल वन बालों से मुझे ज्यादा कंपेरिजन पे आपकी पाइल का मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रहा है. सो मैं कुछ पहले नंबर्स बता देती हूँ. 22, 45, 4, 8, 16, 7, 29, 51, 41. ऐसे कुछ नंबर है जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. मे बी इट्स इंपॉर्टेंट नंबर, मे बी योर एंजल नंबर, योर गार्डियंस एंजल नंबर हो सकता है. ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नंबर मुझे दिखाई दे रहा है. एंड मून प्लैनेट एंड वीनस, इस दो चीजों का मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ पे काफी इफेक्ट इस दो प्लैनेट का है. मे बी आप रूल्ड, यू आर, यू पीपल, सम ऑफ द पीपल आर रूल्ड बाय चंद्रमा, दैट मींस मून, एंड सम ऑफ पीपल मे बी रूल्ड बाय वीनस. वीनस एंड चंद्रमा का इस पाइल पे मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है. सो मैं बोलूंगी जिन लोग ट्रैवल करना चाह रहे थे, काफी टाइम से प्लानिंग कर रहे थे ट्रैवलिंग, रिलोकेशन, काम के लिए फॉरेन टू ट्रैवल, वीजा, वीजा का काफी दिनों से नहीं हो रहा था, वीजा नहीं मिल रहे थे उनको, तो आप मिलने का चांसेस, आप मिलने का मौका आ गया बिकॉज इट्स ए गणेश ब्लेसिंग्स फॉर यू. क्या ब्लॉकेजेस हटने वाला है हम इस रीडिंग पे देखेंगे. गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगे कि आपको वीजा मिल सकते बहुत जल्दी, 2 to 3 weeks के अंदर, मे बी आपको 2 days के अंदर भी मिल सकते हैं, जो लोग अभी काफी मंथ से अप्लाई कर चुके वीजा. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इन एंड यंग एंड मैन होल्डिंग ए हार्ट, इस दो कार्ड से मुझे काफी क्लियर मैसेजेस आ रहा है. आप अपने सोलमेट के साथ मिलने वाले हो, गणेश जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है. यू आर मीटिंग योर सोलमेट एज सून एज पॉसिबल. ए पर्सन काफी केयरिंग एंड एक लविंग नेचर का पर्सन हो गए, ओवरऑल एक ह्यूमेटेरियन पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है बहुत जल्द सी, बिकॉज यू आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो. सम ऑफ पीपल मुझे दिखाई दे रहा है कि आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, और जो लोग काफी अरसे से पास्ट वाली चीजों से अटके हुए हैं, उसको पास्ट से मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा था, सो फाइनली आप अपने पास्ट, कोई भी हार्ट ब्रेक सिचुएशंस, कुछ भी चीज है, अटैचमेंट इश्यूज है आपका, सो यू विल गेटिंग योर इमोशनल हीलिंग. गणेश जी की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स है. अब जो भी चीज मैनिफेस्ट कर रहे हो, स्पेशली योर लव लाइफ, अबाउट लव लाइफ मुझे दिखाई दे रहा है, सो आप बहुत जल्द इस चीज को अट्रैक्ट करेंगे विद द सेवन ऑफ सेवन चक्र आर्कएंजल यूरियल. मुझे और एक चीज दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन्स अपने अभी मैरिड लाइफ पे बहुत परेशान है, अपने पर्सन्स को चाहते कि वो समझे, अंडरस्टैंडिंग का इश्यूज होते हैं, कंफर्टेबिलिटी इश्यू है, या अभी पर्सन्स मैरिड पर्सन्स के लिए आप सेपरेशन पे डिवोर्स फाइल कर चुके हैं, तो उनके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि आप सडनली, हो सके कि वो डिवोर्स फाइल किया था, सडनली उस चीज उस फाइल को वो रिमूव करे, दैट मीन आई मीन टू से कि फाइल जो उन्होंने किया था पहले, फाइल बंद कर दे, डिवोर्स फाइल. एंड नेक्स्ट ऑन मैसेजेस के, आप दोनों के बीच में जितने सेपरेशन आ चुका है और ब्लॉकेजेस है आपकी मैरिड लाइफ पे, वो बहुत जल्दी से जल्दी रिमूव होंगे. सो मैं ही इस पाइल के लिए यही बोलूंगी, बी पेशेंट्स. आपको इस पाइल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है गणेश जी का ब्लेसिंग्स आपको देखने को मिलेंगे 1 to 2 weeks के अंदर. मैंने जो आपके लिए प्रेडिक्शंस किया, 1 to 2 week के अंदर ये चीज आपको मिलेंगे. सो और कुछ मैसेजेस देखती हूँ आप लोगों के लिए कि और क्या मैसेजेस और क्या ब्लेसिंग्स है गणेश जी की तरफ से. सो लेट्स चेक. इट्स अ ब्लैंक कार्ड, 9 queen, 2 queens. तो मुझे और एक मैसेजेस मिल रहा है कि यहाँ काफी सारे पीपल है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहते हैं उन दोनों के बीच में रिश्ता तो सही है, पर पर्सन थर्ड पार्टी या थर्ड पार्टी, बॉटम ऑफ द डेक इट्स ए 9 number. सो थर्ड पार्टी सिचुएशन से बहुत परेशान सो चुके हैं, चाहते कि थर्ड पार्टी रिमूव हो जाए. सो डेफिनेटली फॉर श्योर आपका ही
आप एट द लास्ट मोमेंट डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिमूव होंगे आपकी कनेक्शन से काफी इट इट विल टेक 2 मंथ के अंदर आपको देख आप ये चेंजेस देखेंगे. और एक चीज इधर नंबर वो 10 कार्ड्स, इससे मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको प्रमोशंस मिल सकता है. आप अबंडेंस हार्मोनी आपकी लाइफ पे भर भर करके मिलेंगे आपको, बहुत भरपूर मिलेंगे आपको अबंडेंस एंड हार्मोनी. बहुत न्यू प्रोजेक्ट प्रमोशंस एंड आप जो भी एक डिजायर पोजीशंस चाहते हो अपने कैरियर लाइफ में कैरियर फील्ड में बहुत जल्दी आपको मिलने वाला. इट्स ए गणेश ब्लेसिंग्स फॉर यू. सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2. आज मैं ये पहला वीडियो है तो बहुत छोटा ही रीडिंग कर रही हूँ एंड बाद में नेक्स्ट वीडियो जब आएंगे तब धीरे धीरे करके मैं इस चीज को एक्सटेंड करूंगी बिकॉज टुडे इज द फर्स्ट वन वीडियो. और मैं आप लोगों को स्पिरिचुअल रेमेडीज भी बताऊंगी. लास्ट तक बने रहिए इस वीडियो का. सो थैंक यू सो मच पाइल 2. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू सो मच. ये पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी इस वाले डेक को एंजल एंड ओरेकल कार्ड्स डेक को चूज किया था और थर्ड वाले फोटो को चूज किया था, सो उनके लिए देख लेते हैं रीडिंग. सो पहले गाइस मैं कुछ सिचुएशंस बताऊंगी आप लोगों के लिए कि ये प्रेजेंट एनर्जी आप लोगों के लिए क्या है, इस चीज आपके साथ रेजोनेट करता है. सो आगे इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए. आपके साथ ये चीज रेजोनेट नहीं कर रहा है तो गो फॉर द अनदर पाइल और पाइल आप चूज कर सकते हो. सो थर्ड वाले पीपल के लिए देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है. आफ्टर दैट हम प्रेडिक्शंस करेंगे कि गणेश जी की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है, क्या ब्लॉकेजेस हटने वाला है, क्या गुड न्यूज आपको मिलेंगे. इट्स ओनली फॉर गुड न्यूज ही देखूंगी मैं कि आपको गणेश जी का ब्लेसिंग्स गुड न्यूज क्या मिलेंगे. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. प्रेजेंट एनर्जी ओके इट ऑलमोस्ट पाइल नंबर 2 बालों की जैसे है. सो मुझे लग रहा है कि यह बहुत सारे लोग हैं जो पाइल नंबर 2 बालों पाइल नंबर 2 की तरफ ही उनके कंफ्यूज थे दो पाइल में से, पाइल नंबर 2 एंड 3. सो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो. इट ऑलमोस्ट द सेम कार्ड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वांड्स द चैरियट कार्ड भी पाइल नंबर 2 पे थे. सो आप पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, पाइल नंबर 2 भी देख सकते हो, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी कंफ्यूज थे कंफ्यूज बिटवीन पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3. सो लेट्स स्टार्ट गाइस. सो यू गॉट द 4 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, द मून, किंग ऑफ कप एंड द एम्परर कार्ड. सो अभी मुझे करेंट सिचुएशंस आपको देख रहा है. इट्स ए क्लियर एनर्जी जैसे पाइल नंबर 2 पे भी थे, पाइल नंबर 3 पे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशंस पे परेशान है. थर्ड पार्टी सिचुएशंस डेफिनेटली आपकी कनेक्शन से देयर हैव बीन 3 किंग्स इन योर रीडिंग. सो आपके मैरिड लाइफ का भी इशू है. अभी सेपरेशन है, डिवोर्स फाइल कर चुके आपके हस्बैंड या वाइफ, वो चाहते हैं आपसे सेपरेशन करना एंड वो आपको और तीसरे पर्सन को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज है. मुझे तो ज्यादातर इस पाइल पे लव एंड रिलेशनशिप का सिचुएशंस काफी क्लियरली नजर आ रहा है कि हो सकता है कि कमिटमेंट नहीं मिल रहा है उस पर्सन से, एंगेजमेंट करने के बाद उस पर्सन कहाँ चले गए उसका आता पता भी नहीं लग रहा है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है कनेक्शंस को. बहुत स्टैग्नेंसी, बहुत ब्लॉकेजेस इस पाइल पे मुझे दिखाई दे रहा है एंड ज्यादातर इट्स ए लव एंड रिलेशनशिप मैरिड लाइफ का इशू मुझे बहुत प्रोमिनेंट इस पाइल पे नजर आ रहा है. सो ऐसे कुछ सिचुएशंस है. अभी काफी सारे मैरिड पर्सन से जो सेपरेशन से बेबी का भी हो सकता है कि बेबी को लेके भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि बेबी किसके पास रहेंगे, मम्मा के पास या पापा के पास. एंड और भी मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो ये पर्सन जल्दी से जल्दी चाहते कि आपसे सेपरेशन करने चाहते हैं. ये पर्सन काफी अथॉरिटी पोजिशंस पे हो सकता है एंड काफी कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग नेचर का पर्सन है. स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट है. और मैं कुछ जोडियक साइंस बता देती हूँ. टेरोट इज ऑल अबाउट एनर्जी रीडिंग, इट्स नॉट डिपेंड ऑन योर जोडियक साइन. तब भी जोडियक साइंस बताना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर एक कार्ड्स हर एक जोडियक साइन को रिप्रेजेंट करते हैं, हर एक प्लैनेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं. सो मुझे कैंसर बहुत प्रोमिनेंट है इस रीडिंग पे. अदरवाइज लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई बहुत प्रोमिनेंट है.
ऑलमोस्ट सारे साइंस ही मौजूद है थर्ड वाले पाइल में। सो ऐसे कुछ सिचुएशंस है। टू नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 2, 5, 2 और 5। सो ऐसे कुछ सिचुएशन से आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, तो आप ये वाले पाइल को देखिए, ये वाले पाइल का प्रेडिक्शन आप गणेश जी का ब्लेसिंग आप देख सकते हो। सो लेट स्टार्ट गाइस। गणेश जी की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, क्या ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, सो देखती हूँ मैं। सो यू गॉट द एनवे, डेफिनेटली मैंने जैसे आपकी करंट सिचुएशंस बताई थी कि आप लोगों थर्ड पार्टी सिचुएशंस इन्वॉल्व है और काफी इगोइस्टिक नेचर की पर्सन्स की, ओ माय गॉड, इट्स एनवी एंड डीसी बोथ आर कार प्रेजेंट इन योर रीडिंग एंड द थिंकिंग मैन। सो बहुत वाव, डोर ऑफ द रोमांस। सो काफी सारे पीपल के लिए दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन्स थर्ड पार्टी सिचुएशंस में इन्वॉल्व है, जो अभी सेपरेशंस पे है, बेसिकली मैरिड पर्सन्स की पाइल मुझे ज्यादा लग रहा है, तो अभी इट्स ए गुड न्यूज एंड ब्लेसिंग्स फॉर गणेश जी कि जल्दी से जल्दी ये जो सेपरेशन चल रहा है, सेपरेशन स्टेज नहीं रहेंगे। द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है द थिंकिंग मैन। आप जो भी पर्सन के साथ डील कर रहे हो, वो सोच रहा है कि आपके साथ आगे बढ़ना, चीजें को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, फैमिली एक्सटेंड के बारे में सोच रहा है। ये पर्सन बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि पर्सन काफी अट्रैक्टिव पर्सन हो सकता है एंड काफी डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन बेसिकली आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है। आपकी कनेक्शन पे डेफिनेटली ब्लॉकेजेस तो है, ये ब्लॉकेजेस मुझे हटता हुआ नजर आ रहा है। एनवी एंड डिसीट का कार्ड है, नॉट ओनली ब्लॉकेजेस, यहाँ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस भी है, कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है कि फ्रेंड्स है आपके, कोई फ्रेंड्स या कॉलीग और कोई पर्सन हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन टूट जाए। तो मुझे ये ब्लेसिंग्स दिखाई दे रहा है कि बहुत ही जल्द ये पर्सन डिसीशन लेंगे एंड आपके साथ चीजों को आगे बढ़ाएंगे, फैमिली एक्सटेंड करने के बारे में सोचेंगे, बैलेंस आउट करेंगे। एंजेलो बैलेंस का कार्ड है आपकी कनेक्शंस पे, बेसिकली ब्लेसिंग्स यही है, आपकी कनेक्शंस पे बैलेंस आएंगे, एक स्टेबिलिटी स्टेज आएंगे। सो और कुछ मैसेजेस देख लेते हैं कि और भी क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं। सो लेट्स सी। वाओ गाइस, इट्स 3, 9 and 6 एंड ऑल्सो माई चैनल नेम इज 3, 9 and 6। वाओ, इट्स अ गुड एनर्जी। 3, 9, 6 स्पेशली एक ट्वाइन फ्लेम, एक लव एंजल नंबर होता है, द क्वीन, 3 again 3, वाओ, जोकर रिवर्स एंड अगेन 3। सो 333 आपके रीजिंग पे प्रेजेंट है। सो 3, 3, 3, 3, 9, 6, वाओ, काफी सारे पीपल ट्वाइन फ्लेम कनेक्शन है। इट्स ए कन्फर्मेशन, आप जो भी जिस पर्सन के साथ हो, ट्वाइन फ्लेम पर्सन हो सकता है आपके, आपके सोलमेट पर्सन है। 3, 9, 6, 3, 3, 9, 6, क्वीन, जोकर। तो मैंने बोला जैसे कि आपकी कनेक्शन पे थर्ड पार्टी ब्लॉकेजेस है, गणेश जी का ब्लेसिंग्स है, बहुत जल्द आपकी कनेक्शंस पे ब्लेसिंग्स आएंगे, स्टेबिलिटी आएंगे, एक ब्लॉजूमिंग अबंडेंस आपको कनेक्शंस पे देखने को मिलेंगे। इट विल टेक 3 months, मैक्सिमम 9 months। अब 6 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जून बहुत प्रोमिनेंट है, मार्च भी बहुत प्रोमिनेंट है, आपको दिसंबर के अंदर अंदर आपकी कनेक्शंस पे बहुत बदलाव आएंगे। बिकॉज पाइल नंबर 3 पे मुझे बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस मिल रहे कि दिस इज द पाइल ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, ये ज्यादा मुझे करियर रिलेटेड मामला दिखाई नहीं दे रहा है। एंड यू पीपल वॉच दैट 396 चैनल का नेम भी 396 है, इट्स ए लव एंजल नंबर, ट्वाइन फ्लेम नंबर को दर्शाता है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, ऐसे कुछ मुझे मैसेजेस मिला कि डेफिनेटली आपके कनेक्शंस पे बहुत जल्द बदलाव आएंगे। आप पाइल नंबर 3, बाय बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि आपकी कौन सी टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं डेफिनेटली आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर भी प्रेडिक्शंस करूंगी। बहुत ही जल्द मेरा नेक्स्ट वीडियो आएंगे एंड तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप नेक्स्ट में वीडियो की लास्ट में स्पिरिचुअल रेमेडी बताऊंगी। सो ओके गाइज, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, इट्स ए न्यू चैनल, प्लीज सपोर्ट, थैंक यू। सो गाइज, अब मैं स्पिरिचुअल रेमेडी बताती हूँ।
ये जो स्पिरिचुअल रेमेडी है, अब 31st से लेके 9 सितंबर की बीच तक इस रेमेडी को आपको करनी है। ऑलमोस्ट 31st चला गया, एंड टुडे इज द सेकेंड, मैं वीडियो सेकेंड को शूट कर रही हूँ। सो आप लोग इसके बीच में 5 दिन, आप जिस दिन से शुरू करेंगे उस दिन से लेके आप लगातार आपको 5 दिन इस रेमेडी को अप्लाई करनी है। सो वेरी फास्ट ऑन रेमेडी मैं उन लोगों के लिए बताऊंगी जो रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा परेशान है, या सिंगल लोग भी इसको कर सकते हैं अपने न्यू लव अट्रैक्ट करने के लिए। आपको गणेश जी का कोई भी मूर्ति के सामने आपको 2 गुलाब चढ़ानी है। आप मान लीजिए आपने काल से शुरू किया तो काल से लेके आपको 5 दिन ये रेमेडी करनी है, एंड यू हैव टू प्रे फॉर दैट कि आपको जल्दी से जल्दी एक न्यू लाभ मिल जाए। आपका जो भी पर्सन के साथ रिलेशनशिप है, जो भी प्रॉब्लम चल रहा है, नहीं भी चल रहा है तो आप कर सकते हो अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए। सो दिस इज फॉर द लाभ रिलेशनशिप। नेक्स्ट आते हैं हेल्थ के लिए। जिनका हेल्थ ठीक नहीं रहते उनके लिए रेमेडी है, आपको गणेश जी के सामने गुड़ का लड्डू छोटा छोटा करके, आपको गुड़ का लड्डू 21 लड्डू बना के एवरीडे 21 लड्डू गणेश जी को चढ़ानी है। 5 दिन लगातार ये रेमेडी को फॉलो करनी है। इस पर आते जिनका लोन्स है, लोन के लिए आपको रेमेडी फॉलो करनी है। एक एक हर रोज पर डे आपको गणेश जी को पान का पत्ता एक एक करके चढ़ाना है। 5 दिन 5 पान पत्ता चढ़ाना है। आपको मार्केट से खरीद मिल जाएंगे, मार्केट से आपको पान का पत्ता। और नेक्स्ट आते हैं जॉब रिलेटेड, जिनको जॉब नहीं मिल रहा है, न्यू जॉब चाहिए, प्रमोशन चाहिए, उनके लिए रेमेडी है आपको गणेश जी को दूरबा जो होता है, दूरबा थोड़ा दूरबा आपको आप मार्केट से ले सकते हो। बेसिकली जो अर्बन पीपल होता है उनको नहीं मिलते, तो आप मार्केट से ले सकते हो, लेके गणेश जी को हर रोज थोड़ा दूरबा चढ़ा के प्रे करनी है। चाहे जितने भी रेमेडी मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेयर्स, कि आप भगवान को प्रे कर रहे हो कि ये काम हो जाए। आपको इंटेंशन रखना है, बिलीव रखना है, ऑलवेज बिलीव योर सेल्फ एंड बिलीव योर कार्मा। सो आपको प्रे करनी है बेसिकली कि एक काम जल्दी से जल्दी हो जाए। सो आपको चढ़ा के इसको प्रे करनी है। सो दिस इज द गणेश चतुर्थी स्पेशल रेमेडी। आप लोग प्लीज कीजिए, जिसका जो जो भी प्रॉब्लम्स है, आपको कुछ डाउट रहे इस रिगार्डिंग रेमेडीज के रिगार्डिंग, आप कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हो, आपको तुरंत कमेंट मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, दिस इज ए न्यू चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अच्छा लगते है तो वीडियो आप कमेंट कर सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है, आप में स्पिरिचुअल रेमेडी के अलावा स्विच वार्ड, एंजल नंबर, काफी कुछ चीजें देखती हो, आप एस्ट्रोटॉक पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय।